हेलो डियर स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू अपनी क्लास चैनल। और एक बड़ा अपडेट है जिसमें आपको 10th क्लास के बच्चों के लिए जो है वो अपडेट शीट फिर से चेंज कर दी गई है, और इसके साथ प्लस टू की भी थोड़ा सा चेंज किया है। तो हम देखेंगे, तो आप देख पा रहे हैं स्कूल शिक्षा बोर्ड ने संशोधित की 10वीं कक्षा की फाइनल डेट शीट। अब जो है 26 मार्च से 13 अप्रैल तक लेगा टर्म 2 की परीक्षाएं। अब जो है वो स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी राहत है और अच्छी राहत वाली ये खबर है। ओके, तो अगर आप नए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें इस तरह की अपडेट के लिए और स्टडी मटीरियल, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम है तो बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं इस चैनल को और बेल आइकन भी प्रेस रखें। तो हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा की टर्म 2 की परीक्षा को जारी डेट शीट में संशोधन किया है, और नई डेट शीट के अनुसार अब परीक्षाएं 26 मार्च को शुरू होंगी, 13 अप्रैल को जो समाप्त होंगी। डॉक्टर मधु चौधरी सचिव जो कि स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला की तरफ से ये जो है वो बात कही गई है। तो हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 5 मार्च को जारी 10वीं कक्षा टर्म 2 जो कि 5 मार्च को जारी की गई थी, अब डेट शीट में बदलाव किया गया। 10वीं कक्षा का टर्म 2 की परीक्षाएं 26 मार्च को 13 अप्रैल तक होंगी। कई विषयों की परीक्षाओं में एक्चुअली मैं क्या था कि तिथियों में बदलाव किया गया है, छुट्टियां नहीं थी। मेन पेपर जो आपका मैथमेटिक्स था उसमें उसके लिए भी अब छुट्टियां जो है उसका प्रावधान किया गया था, पहले एक भी छुट्टी नहीं थी। तो बोर्ड ने यह बदलाव छात्रों की मांग पर किया है, और बताया जा रहा है कि बोर्ड ने 5 मार्च को 10वीं कक्षा की टर्म 2 की अंतिम डेट शीट जारी की थी, उस पर कुछ छात्रों और अभिभावकों ने सवाल भी उठाए थे और कहा कि बोर्ड परीक्षाओं के दौरान कुछ विषयों की परीक्षाओं में एक दिन का भी अतिरिक्त समय नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सही है, मैथमेटिक्स में बिल्कुल भी टाइम नहीं था। छात्रों की मांग पर बोर्ड प्रबंधन ने दूसरे दिन ही ये डेट शीट को संशोधित कर दिया है। 8 अप्रैल को समाप्त होने वाले अब 13 अप्रैल को समाप्त होंगे, और एक विषय की परीक्षा के बाद दूसरे विषय की परीक्षा के लिए 1 से 2 दिन का समय भी दिया गया है। अब हम जान लेते हैं 10th क्लास की जो संशोधित डेट शीट है। तो जल्द से जल्द आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस रखें। और अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि वहीं पे मैं अपना PDF और भी जो नोटिफिकेशन या अपडेट है फटाफट वहीं डालता हूँ सबसे पहले, तो उसे ज़रूर ज्वाइन करें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो टर्म 2 की अब 26 से 13 अप्रैल तो हम डेट शीट जान लेते हैं। 26 को आपका विज्ञान और प्रौद्योगिकी का ही रहेगा, 28 को आपका हिंदी का है, 29 को आपका फाइनेंशियल लिटरेसी का, और 30 को संस्कृत का, उर्दू, पंजाबी, तमिल और तेलुगु विषय की परीक्षाएं होगी। 31 मार्च को जो है वो आपको स्वर संगीत, 1 अप्रैल को वाद्य संगीत, 4 को आपका इंग्लिश का, 6 को आपका सामाजिक विज्ञान का, और 8 को कंप्यूटर साइंस का, 11 को आपका जो है गणित का। तो यहाँ पे आप राहत ले सकते हैं, राहत भरी सांस जो है वो ले सकते हैं, और 12 को गृह विज्ञान का है। तो 13 अप्रैल को कला ए, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, एग्रीकल्चर, ऑटोमेटिव, हेल्थ केयर, ITS, मीडिया, इंटरनेट, एंटरटेनमेंट, रिटेल, फिजिकल एजुकेशन, प्राइवेट सिक्योरिटी, टेलीकॉम, टूरिज्म, हॉस्पिटलिटी, BSFI, पीरल्स, ब्यूटी एंड वेलनेस एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड हार्डवेयर और प्लम्बर विषय की परीक्षा जो है वो होगी, राइट। तो ये आपकी 10th की थी। अगर हम बात कर लें यहाँ पे प्लस टू की, तो वहाँ भी थोड़ा सा चेंज हुआ है। जमा 2 विज्ञान संकाय के छात्रों को भी राहत दी है स्कूल शिक्षा बोर्ड ने। तो विज्ञान संकाय के छात्रों ने बोर्ड की ओर से जारी जमा 2 कक्षा टर्म के डेट शीट में बदलाव की मांग की थी। छात्रों में जो है उनके नाम भी दिए गए हैं, तो आपत्तियाँ जताई थी और बताया है कि 22 मार्च से शुरू हो रही जमा 2 कक्षा के विज्ञान संकाय की परीक्षाओं में पहला पेपर गणित का है, 1 अप्रैल को परीक्षाएं जो है समाप्त हो रही हैं। तो पहला पेपर जो आपका गणित का रहने वाला है। नॉन मेडिकल की अगर बात करें, कमेंट में कह भी रहे थे कि नॉन मेडिकल की बेकार डेट शीट है, तो इस दौरान साइंस विद्य की परीक्षाओं के दौरान छात्रों को पढ़ने का समय नहीं दिया गया है, क्योंकि पेपरों के बीच गैप बहुत कम है। उन्होंने बोर्ड से मांग की है कि उन्होंने राहत देते हुए डेट शीट में बदलाव किया जाए। जी हाँ, मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँ कि स्टूडेंट ने अपनी आपत्तियाँ यहाँ पे जताई हैं, तो आने वाले टाइम में या हो सकता है कि आज या कल जो है वो इस जमा 2 विज्ञान संकाय के छात्रों को भी जो है वो एक संशोधित डेट शीट देखने को मिले। तो उसके लिए आप अपडेट रहने के लिए आप ज़रूर सब्सक्राइब करें अपनी क्लास चैनल, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पर आपको बोर्ड से रिलेटेड अपडेट और आपके ओल्ड क्वेश्चन पेपर, स्टडी मटेरियल और भी बहुत कुछ
यहाँ पे आपको मिलता है, तो उसके लिए आप सब्सक्राइब करना जो आपका बनता है। सो थैंक यू, और वीडियो को शेयर करें, लाइक भी ज़रूर करें, क्योंकि अगर आपको अच्छा लगा हो जानकारी तो ज़रूर लाइक करें। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।